लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व में डीजल चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने 3 गैलन में 120 लीटर डीजल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि डीजल चोरी के पास से 3 गैलनों में 120 लीटर डीजल बरामद हुआ है। तो वहीं जांच के उपरांत सामने आया कि उक्त अभियुक्त पहले भी कई चोरी के मामलों में शामिल रहा है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। हल्दोचोट क्षेत्र में डीजल चोरी की घटना हुई थी, उसका उसी समय अभियोग पंजीकृत करके कुछ मुलजिम गिरफ्तार किए थे और तेल भी बरामद था। उसमें एक मुलजिम फरार चल रहा था, मुमताज नाम था, उसको कल हमारी पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया है और उसके पास से हमारा चोरी का 3 गैलन में लगभग 120 लीटर डीजल बरामद हुआ है। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया।